कर रहे जी आप? काजल उर्फ जिंदड़ी, सोनिया, छाया, तुलसी और भी। सुपर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपको खबर दिखा रहे हैं खरड़ से, जहां किन्नर समुदाय के दो गुटों में झड़प का मामला सामने आया है। महंत मृणाक्षी ने लगाए महंत पूजा पर गाड़ी की तोड़फोड़ और झगड़ा करने के इल्ज़ाम, लेकिन दूसरी तरफ महंत पूजा ने इन सब इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये सब इल्ज़ाम झूठे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। देखो जी, सारी दुनिया को पता है इन्होंने 5-6 साडे उपर वारदातें की हैं, हमले किए, तो रंजीत यही है, ये मुजरिम है। जो ये पूजा डांसर है यो हैगा सहानपुर का मुसलमान और बीवी बच्चों वाला है, लिंग परिवर्तन ने करा रखा है और अच्छे बंदों से ताल्लुक नहीं रखता, गंदे इंसानों के साथ रहता है, जैसे बदमाश हो गए, लुटेरे हो गए और क्या बोलते हैं उनको जो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हो गए, बोनसर हो गए। एक चंडीगढ़ में हैगा सरजीत जो मर गया है, तो उसका भतीजा है काकू है, उसको पैसा खिलाते हैं, उसके पास से बदमाश असले वाले लेके आते हैं, वो खुद भी आता है, तो हमारे ऊपर मेरे चेलों के ऊपर हमला कराना चाह करते हैं। आज भी डिलेक्स कॉलोनी न्यू चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने मेरे चेलों पर हमला करा, बाल बाल बचे लेकिन लूट के ले गए, इसकी 2.5 तोले की चेन तोड़ के ले गए, इसका 5 तोले का हाथ में कड़ा था वो तोड़ के ले गए, हमारी गाड़ी का देखो क्या हल कर रखा है उन्होंने, ठीक है ना, सीट वहाँ सारी पुलिस जाकर तहकीकात कर लाई। हमारी वो मांग है पुलिस प्रशासन से, पुलिस प्रशासन इंसाफ करे हमारा और इनको सजा दे, इनको जल्दी से जल्दी उठाए, हमारे पे हमले पे हमले हो रहे हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो पूरा पुलिस प्रशासन ही दोषी होगा। जी मेरा नाम निक्षा महंत है और मैं ज्योति माई जी की चेल रहा हूँ। आज जो मैं मीडिया के सामने आई हूँ वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो पूजा डांसर है उर्फ उमर साकिर, सहारनपुर का जो बंदा है, ठीक है, जनता चौंक च रहता जेड़ा, बार बार हमले करवाता है मारने की साजिश से। आज भी हम अपने न्यू चंडीगढ़ वाले एरिया में जब जा रहे थे, घूम रहे थे, ठीक है, बधाई के रिगार्डिंग, तब भी उसने 3 गाड़ियां, एक ब्लैरो गाड़ी, एक एक्जेलो गाड़ी, एक उसके साथ एक और गाड़ी थी जिसमें हिजड़े भी शामिल थे और 20-25 बदमाश भी शामिल थे, तुलसी, छाया, काजल उर्फ जिंदड़ी, सोनिया, माही, जस्सी उर्फ गुरजीत सिंह, ठीक है, ये सारे पूजा डांसर के पाले हुए कुत्ते हैं, दिहाड़ीदार हैं। लड़कों में शामिल है सोनू मुंडा, राजा उनका ढोलक वाला और 20-25 बदमाश। सोनू है वो एक बदमाश है, ठीक है, और एक सुरजीत जो एक बॉन्सर है, छटा हुआ बदमाश है, उसका आगे भतीजा लगता है, उसका नाम है काकू। वो बंदा इन लोगों को, इनकी पार्टी को बदमाश हायर करके देता है ताकि हमें जान से मार दे, ठीक है। आज मैं बहुत दुख से, बहुत पीड़ा से, बहुत डरी हुई हूँ, बहुत सहमी हुई हूँ, मीडिया के आगे आई हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं जनता चौक से रहती हूँ, खरड़ जनता चौक में रहती हूँ। मेरा नाम पूजा महंत है, मेरे गुरजीत रानी महंत जी ने मुझे गद्दी सौंपी हुई है जो कि अब भी है, और मैं अपनी गद्दी पर रहती हूँ। एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसे पाल रही हूँ, उसकी परवरिश करती हूँ, खुशी नाम है मेरी बेटी का, और मैं ना कि मैं बधाई पे नाचने गाने का काम करने जाती हूँ, ना मैं घर पे ही रहती हूँ, मैं बाहर से मैं बिल्कुल नहीं जाती, और जो भी आरोप लगा रहे हैं आए दिन मेरे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, ना कोई हमारी लड़ाई हुई ना कोई झगड़ा हुआ किसी से। ये एक मनीत कुमार डांसर है, उसके डैडी का नाम जसबीर सिंह है, वो एक मुंडा है और उसने ट्रांसलेशन किया है, ट्रांसजेंडर है, वो गे पर्सन है,
वो पहले मेरे कोल आया खुसरा बन के कहता सी मैं तुहाडे विच रहना चाहना मेरे कोल रहा प्यार नाल जैसे बच्चे रहेंगे आंदा सी अपना दोपहर तो बाद अपने घरे मिलक पिंड वो दादी रहती है उत्थे चले जाता सीगा कुछ दिन बाद रेंदे रेंदे वो कहन लगे मैनु एरिया लिख के दो मैं उन्हें एरिया नहीं लिख के दिता तो उन्हें मैंने क्या कहते जिदा थानू राजेश मलिक ने ज्योति ने जो ज्योति के नाल रहा है राजेश मलिक ज्योति ने मिलके थोड़े से जरा केस में थानू जेल कराई है लिंग परिवर्तन के केस में झूठे केस में सजा काट के आए हो मैं उन्हें बिच ज्योति ने राजेश मलिक न फसा सकता वा मैं बोली इदा का बंदा है तू तो असी तुझे रखांगे नहीं और फिर इसकी गे परसन की कुछ वीडियो भी है जिसमें वो बहुत संबंध बना रहा है गलत आदमियों के साथ और उन मुंडों को भी ये ब्लैकमेल करता सीगा लेडीज़ बन के लड़की बन के अब ये सानू गद्दी नशीन खुसरिया ब्लैकमेल करने लग गया है तो ये वास्ते गलत है प्रशासन से यही है साड़ी डिमांड के इस पर कार्रवाई की जाए गौर फरमाई जाए ये मैंने जरा कहते हमला हुआ सी लड़ाई हुई सी और मैंने इंक्वायरी लाई हुई है और उस केस में इंक्वायरी चल रही है ना जी तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर झूठ है बेबुनियाद है।